हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे टेंस क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। और जो टेंस होता है वो उसमें हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ते हैं। टाइम प्लस वर्क, इसी टाइम और वर्क से ही टेंस बनता है। अब कैसे होता है इसको भी जानिए। हम जब भी टेंस की बात करते हैं तो किसी ना किसी काम को लेकर के बात करते हैं कि कोई काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, ये सब होता है। तो इस तरह से वर्क भी आता है इसमें। और जो काम है वो कब हो रहा है, हो चुका है या होगा या हो रहा है, इस तरह से टाइम भी इसमें आ जाता है। तो टेंस जो होता है टाइम एंड वर्क से संबंधित होता है। अब हम इस टेंस में जान लेते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसको भी देखते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब हम देखते हैं जो प्रेजेंट टेंस है उसमें चार भाग होंगे प्रेजेंट टेंस के, कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। 2, 3 और 4। पास्ट के भी चार भाग होंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से फ्यूचर का भी होगा चार भाग, 1, 2, 3, 4। अब हम सबके नाम जान लेते हैं। हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस के भाग के बारे में, तो हमेशा सामने यहाँ पर प्रेजेंट लगा रहेगा सब में। प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट, इस तरह से हम देखते हैं सब में प्रेजेंट प्रेजेंट रहेगा। उसी तरह से अगर पास्ट की बात करें सब में पास्ट पास्ट रहेगा। फ्यूचर की बात करें तो सब में फ्यूचर फ्यूचर लगा रहेगा। अब हम देख लेते हैं आगे क्या होता है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, और अगला होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके आगे होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यही इनडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस सभी में रहेगा। बस केवल ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आगे प्रेजेंट लग जाएगा सब में, अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो सब में आगे पास्ट लग जाएगा, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो सब में आगे फ्यूचर लग जाएगा। चलिए नोट कर लेते हैं, इस तरह से हो जाएगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगला होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगला होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर में भी होगा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, उसके बाद होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से सभी में यही चारों टेंस आते हैं, बस केवल आगे टेंस का नाम जुड़ जाता है। अब हम देख लेते हैं पहचानते कैसे हैं, किसी भी टेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है। तो उसके लिए आपको छोटा सा चार्ट याद करना होगा। ऐसे होगा, अगर हम कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, तो उस सेंटेंस के लास्ट में हा होगा। अगर पास्ट फ्यूचर टेंस का है तो लास्ट में गा होगा। अगर ये दोनों ही वर्ण नहीं मिलते हैं, ना हा मिलता है ना गा मिलता है, तो वो पास्ट में हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है।
तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है इसमें, क्योंकि प्रेजेंट जो काम हो रहा होगा उस समय, जो काम चल रहा है, तो जो काम चल रहा है यानी कि प्रेजेंट टाइम, और जो काम होना होगा, अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होने की संभावना हो रही है, तो वो उसमें गा लगा होगा, इस तरह से फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और ये दोनों ही नहीं मिलेगा तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा। अब इतना हमने जान लिया, अब हम देखते हैं कैसे होता है। इसे दिया गया राम खाना खाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस में हम लास्ट में देखेंगे कौन सा अक्षर है, तो हम देखते हैं लास्ट में गा आ रहा है, और लास्ट में गा है तो हम तुरंत पहचान लेंगे ये फ्यूचर टेंस में है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, सीता खाना बना रही है, इसमें भी हम देखेंगे लास्ट में देखेंगे हा दिख रहा है, तो जब हा दिख रहा है तो हम तुरंत जानेंगे ये प्रेजेंट टेंस का है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आ गया राम घर गया, अब हम इसमें देखते हैं तो या वर्ड आ रहा है, या अक्षर आ रहा है, और जब या आ रहा है तो इसमें हम देखते हैं ना तो हा है ना ही गा है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है। अब हमने ये सब जान लिया कि प्रेजेंट टेंस के लिए हा होता है, पास्ट टेंस के लिए अगर प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है तो पास्ट टेंस कहलाएगा, और फ्यूचर में गा होता है, हमने ये सब जान लिया। अब अगर आगे की बात की जाए कि प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस है, इन चारों में से कौन सा टेंस है, या फिर अगर पास्ट का है तो पास्ट के चारों टेंस में से कौन सा टेंस है, अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर के चारों टेंस में से कौन सा टेंस है, तो इसको हम कैसे जानेंगे। इसके लिए भी आपको बस छोटा सा याद रखना है, अगर कंटिन्यूअस का है चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो उसमें हा मिलेगा। और अगर परफेक्ट का है चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो उसमें का मिलेगा या फिर या मिलेगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें यही रहेगा, हा ही रहेगा। यहाँ लिख देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो उसमें हा मिलेगा प्लस टाइम भी मिलेगा। और अगर हा का या ये कुछ नहीं मिल रहा है तो वो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है, वो आपको पहचानना होगा किसके इनडेफिनिट का होगा। इस तरह से आपको ये चार्ट याद रखना है। तो पहला ये हो गया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये हो जाएगा जो याद रखना है। अब देखते हैं पहचानते कैसे हैं हम इसी टेंस से। चलिए दूसरा लिख लेते हैं, मान लीजिए दिया गया राधा पत्र लिख रही है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है, उसके लिए हम लास्ट में देखेंगे। तो लास्ट में हम देखते हैं हा है, तो हम तुरंत जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हा आता है, तो ये प्रेजेंट टेंस का है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस है, तो अब उसके आगे वाला अक्षर हम देखेंगे, तो उसके आगे फिर आ रहा है हा। अब हम दूसरा वाला जब देखेंगे तो यहाँ भी हा आ रहा है, और जब दूसरा भी हा आ जाता है तो वो हो जाता है कंटिन्यूअस। इस तरह से हम बता सकते हैं ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, राधा पत्र लिख चुकी होगी, इसको हम पहचानते हैं किस टेंस का है।
तो सबसे पहले हम लास्ट वाला अक्षर देखेंगे, तो हम देखते हैं लास्ट वाला अक्षर गा है, इसका मतलब ये फ्यूचर का है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा अगर फ्यूचर टेंस है तो गा होगा, तो ये फ्यूचर का है। अब फ्यूचर का कौन सा टेंस है ये हमको जानना है, उसके लिए अब उसके आगे बढ़ेंगे। तो उसके आगे हम देखते हैं आगे वाले वर्ड में कौन सा अक्षर है लास्ट में, तो हम देखते हैं का है, और जब का होता है तो हम जानते हैं वो परफेक्ट में जाता है। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कौन सा टेंस किस टेंस से है, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, और उस टेंस के कौन से सेंटेंस कौन से भाग में जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट का है, या फ्यूचर परफेक्ट का है, किसका है हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसी तरह से। मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, राधा खाना सुबह से बना रही है, सुबह से बना रही है। अब हम देखते हैं सबसे पहले लास्ट में, तो हम देखते हैं लास्ट में हाँ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस है इसको भी देख लेते हैं। अब उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर फिर हा आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन साथ में हम देते हैं इसमें टाइम भी दे रहा है, सुबह से। अब ये एग्जैक्ट टाइम भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा टाइम दे सकता है कि उसका कोई समय निश्चित नहीं, जैसे सुबह से कह रहा है, तो इस तरह से इसमें एक टाइम आ गया कि सुबह से दोपहर से शाम से, इस तरह से एक टाइम है ये। और जब टाइम आ जाता है तो वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर टाइम भी आ जाता है और अगर हाँ भी है तो वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है राधा खाना सुबह से बना रही है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है।